फ्रेंड्स, जूले चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। लद्दाख सीरीज में आपने अब तक देखा कि हम दिल्ली NCR सोनीपत हरियाणा से हम चार लोग 50+ पहली बार ले लद्दाख के लिए निकले, और इससे पहले वाले एपिसोड के अंदर Day 6 और Episode 7 आपने हमें पूरा कारगिल घूमते हुए देखा, और आज इस एपिसोड के अंदर हम कारगिल से बढ़ रहे हैं लेह की तरफ। रास्ते में आने वाले डेस्टिनेशन पॉइंट्स जहां आप घूम सकते हैं, कितने किलोमीटर पे आपको पड़ेगा, कितना समय आपको वहां लगने वाला है, सारा ब्यौरा मैं इस एपिसोड के अंदर दूंगा। कारगिल में हम अपनी यात्रा शुरू करने से पहले पेट्रोल फुल करवा रहे हैं। मैसर्स मैकपाई फिलिंग स्टेशन से हमने पेट्रोल लिया और आज का रेट है 102.01। यहाँ पर डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, आपके सभी तरह के कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। बारू जगह का नाम है यहाँ पर, जहाँ द डी इंडियन कारगिल होटल में हम लोग रुके थे। हमारा अच्छा स्टे रहा, जो मैं पिछले एपिसोड में आपको बता चुका हूं। अब टैंक फुल कराने के बाद हम लोग बढ़ते हैं ले की तरफ, और दोस्तों बने रहिए अंत तक अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। होटल डी इंडियन कारगिल से हम लोग बढ़ेंगे सबसे पहले मुलबेग की तरफ। लेह के रास्ते में 39.3 किलोमीटर पर हमको मुलबेग मिलेगा। कारगिल से मुलबेग तक आपको लगभग 1 घंटा लगने वाला है। मुलबेग पहुंचते ही आपको लेफ्ट साइड में एक रास्ता ऊपर पहाड़ की तरफ जाता मिलेगा। गोम्पा देखने के लिए आपको यहां से लेफ्ट होना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया नेचर को आप एंजॉय करने वाले हैं, एकदम अल्टीमेट नेचर आपको रास्ते में मिलने वाली है। आप अचंभित हो जाएंगे नेचर को देखकर। मुलबेग गोम्पा में पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगने वाले हैं। समुद्र तल से 11,495 फीट हाइट पर बना हुआ और NH1 से 656 फीट हाइट पर आप इस गोम्पा के लिए पहुंचेंगे। आगे पगडंडी पाथ बना हुआ है, थोड़ा चलकर आपको जाना होगा। पहाड़ी पर 1400 ईस्वी की खरोस्ती भाषा में शिलालेख और 2800 साल पुराने गोम्पा आपको देखने को मिलेंगे। लामाज ऊपर हमें नहीं मिले, लॉक लगाकर गए हुए थे, हम अंदर नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है, और बाहर से लेकिन आप सीनिक ब्यूटी का एंजॉय करने वाले हैं। अब चलते हैं वापस मैत्री बुद्धा देखने के लिए। हम बिल्कुल जैसे ही नीचे उतरे, सामने आपको राइट साइड पे ये बड़ी सी चट्टान नजर आ रही होगी। यहाँ पर मैत्री बुद्धा बने हुए हैं और मैत्री बुद्धा के दर्शन करते हैं। और बाहर से ही देखिए रॉक के ऊपर बुद्धा 9 मीटर 30 फीट ऊंचे ये बुद्धा।
आप मैत्रेय बुद्धा देखने आएंगे तो यहाँ पर 30 रुपया पर हेड डोनेशन आपको देना होगा। You are standing in the affinity of the Grand Maitreya Buddha statue. Maitreya is known as the universal Buddha of future time. Maitreya in Sanskrit means loving kindness. The statue is believed to have been carved in the 1st century BC Kushan area. Maitreya would be the successor of Gautam Buddha, Buddha of the present age. प्रार्थना करने के बाद जब हम लोग बाहर की तरफ निकले तो कुछ देखकर हम हैरान थे, चकित थे। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें कुछ ऐसा नजर आएगा। सूर्य भगवान रेनबो के साथ अपने चक्र लेके भगवान बुद्ध के ऊपर पूरा प्रकाश डालते हुए, जिसको देख के हम मतलब हैरान रह गए, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा हमने सिर्फ तस्वीरों में देखा था और यहाँ हम साक्षात देख रहे थे। अशोका के टाइम के भगवान बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन करने के बाद अब आप बढ़ेंगे लुमायरू की तरफ, जो कि यहाँ से 66.3 किलोमीटर है और लगभग पौने दो घंटे आपको वहाँ पहुँचने में लगेंगे। इसके लिए आपको दो पास क्रॉस करने पड़ेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। आप नेचर का एंजॉय करते हुए दोनों पास क्रॉस कर जाएंगे। लुमायरू से पहले 11,548 फीट पर आपको मिलेगा विलेज बुद्धखबरू। यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे तो गुरु रंबोचे जी का बहुत ही सुंदर स्टैचू आपको दिखेगा। और जहाँ भी कहीं आपको थोड़ी सी बस्ती या आबादी दिखेगी तो वहाँ आपको हल्की फुल्की हरियाली दिखेगी। बुद्धखबरू छोटा सा गांव को क्रॉस करने के बाद ही कुछ ही आगे आप जाएंगे तो एक राइट साइड में आपको बहुत बढ़िया कैफेटेरिया मिलने वाला है, थोड़ा सा हाइट पर बना हुआ है। यहाँ पर आप आकर चाय, कॉफी, स्नैक्स, मैगी, ब्रेड, ऑमलेट वगैरह का एंजॉय कर सकते हैं, नेचर का एंजॉय कर सकते हैं। ओपन में बैठना चाहें ओपन में बैठिए, अंदर कैफेटेरिया में बैठना चाहें कैफेटेरिया में बैठिए, कुछ देर यहाँ पर रिलैक्स होइए और फिर बढ़िए आगे ले लद्दाख की तरफ। तो ये देखिए नेचुरल कटे हुए टीले और नेचर, बहुत ही सुंदर नेचर मिलेगी। जगह जगह आप रुकते हुए इसको एंजॉय करते हुए चलिए। और ये मैंने पहले भी कहा था, जल्दबाजी नहीं कीजिए, दिमाग में ये नहीं रखिए कि हम सीधा ले पहुंच जाएं। ले से पहले आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक्स फॉर योर विजिट, विजिट अगेन टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल। तो कारगिल की सीमा यहाँ पर समाप्त होती है और अब हम लद्दाख, लेह लद्दाख की सीमा में एंट्री कर रहे हैं। खूबसूरत सा गेट बना हुआ है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे लेह लद्दाख की तरफ और बहुत कुछ घूमते हुए चलेंगे दोस्तों। और बने रहिए अंत तक, एंजॉय कीजिए पूरा वीडियो को, बहुत कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। कारगिल की सीमा समाप्त होने के बाद जहाँ से लेह लद्दाख की सीमा स्टार्ट होगी, लुमायरू विलेज आपको पड़ेगा 30 किलोमीटर।
रोड नीचे की तरफ जा रही है और अब हम लोग नीचे की तरफ उतरेंगे और पहुंचेंगे लिमारू गांव। लिमारू गांव एक अच्छा बड़ा कस्बा है, काफी सारे घर आपको यहां दिखने लग जाएंगे। अगर आपको ऑन द वे स्टे की ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए लिमारू गांव पर स्टे का ऑप्शन है। आप यहां पर आकर अपना स्टे कर सकते हैं। एक अच्छा बड़ा कस्बा, अच्छा बड़ा गांव इस रूट पे आपको मिलने वाला है। लिमारू एक अच्छा बड़ा कस्बा है। आप जब इसको क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा आगे ही निकलेंगे, आपको लेफ्ट साइड में रेस्टोरेंट, होम स्टे वगैरह सब कुछ इस रोड के ऊपर आपको दिख जाएंगे और एक मोनेस्ट्री और स्तूपा बना हुआ भी आपको दिखेगा। देखना चाहें तो वहां आप रुककर उसको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लिमारू से अगला डेस्टिनेशन आपका होगा नीमू। नीमू यहाँ से 84 किलोमीटर पड़ेगा और 1 आवर 30 मिनट्स आपको लगने वाले हैं और ये मूनलैंड, इसके कलर आप देखते रह जाएंगे। इस जगह को मूनलैंड कहते हैं और ये है सारे पहाड़। टाइम के हिसाब से अर्ली मॉर्निंग आपको रिफ्लेक्शंस अलग दिखेंगी, इवनिंग में रिफ्लेक्शंस अलग दिखेंगी। सन के हिसाब से आपको यहाँ की नेचर का एंजॉय होने वाला है। रोड आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। लिमारू से जब आप नीमू की तरफ बढ़ेंगे तो आप बेहतरीन नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे चलेंगे। यह 84 किलोमीटर गजब की सीनिक ब्यूटी देखते हुए आप आगे जाएंगे। रास्ते में रुकने का आपका मन करेगा, रुकिए, एंजॉय कीजिए। काफी समय रहेगा आपके पास ले पहुंचने के लिए। साइड पर रिवर बहुत ही सुंदर आप नज़ारा देने वाली है। स्नो माउंटेन्स आपको बहुत ब्यूटीफुल सीन आपको मिलने वाला है। जहां थोड़ा कस्बा आता है, जब गांव शुरू होता है तो ग्रीनरी आपका स्वागत करती है। काफी समय बाद ये ग्रीनरी देखकर भी दिल खुश हो जाता है। और जब आप नीमू पहुंचेंगे, संगम पर जाना चाहेंगे तो आप ध्यान रखिए, यह एक ही बोर्ड लगा हुआ है और एक छोटा सा बोर्ड साइड पर है। अगर कोई ट्रक वगैरह खड़ा हो तो वह बोर्ड नहीं दिखता है। मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट की यहाँ कमी मानता हूँ। नए आदमी के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस दी होनी चाहिए। जहाँ से ये मनाली और चंडीगढ़ का कट है, इस कट की तरफ जो बोर्ड लगा है आपको जाना होगा। ये रास्ता आपको संगम की तरफ लेकर जाएगा और यहाँ से भी संगम कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। नीचे की तरफ इस रोड पर चलेंगे तो राइट में एक नीचे कट उतर रहा होगा, उस कट पर आपको उतरना होगा। बोर नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे रखी है, नए आदमी के लिए दिक्कत है। टूरिज्म डिपार्टमेंट को यह इंडिकेशंस हर जगह देने चाहिए, हर जगह प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए, जो इस एरिया में मुझे थोड़ा सा कमी लगी। इस बात को आप या तो जीपीएस पे नजर रखिए, नहीं तो आप चूक जाएंगे। ये थोड़ा सा ही आगे जाकर आपको फिर से एक राइट कट नीचे मिलने वाला है। आप उस राइट कट पर नीचे उतर जाए जो आपको संगम के बिल्कुल किनारे पर लेकर जाएगा और आप उसे एंजॉय करेंगे। हाँ जी मैडम जी, मुंह हाथ धो लो, देखना गीला है पानी। पानी गीला है क्या?
इंडस और जंस्कार रिवर का संगम आप देख रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन नेचर आपको ये संगम, पानी का कलर नेचर है बहुत बढ़िया, आप एंजॉय करने वाले हैं। नीमू संगम से 10 मिनट में आप 6.70 किलोमीटर क्रॉस कर पहुंच जाएंगे मैग्नेटिक हिल। एटीवी राइड का मजा आप ले सकते हैं। खाने पीने की चीजें यहां पर कुछ दुकानें बनी हुई हैं, चाय मैगी स्नैक्स आप एंजॉय कर सकते हैं। मैग्नेटिक हिल के बारे में रोचक जानकारी, आप कभी लेह की तरफ गए हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं या आप आने वाले टाइम में जब भी जाएंगे और मैग्नेटिक हिल के एक्सपीरियंस को मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप पहले जा चुके हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैग्नेटिक हिल का एक्सपीरियंस आपका कैसा लगा और आपने क्या महसूस किया। मैग्नेटिक हिल से 10 किलोमीटर पर ही आप पहुंच जाएंगे गुरुद्वारा पत्थर साहिब। आपको लेफ्ट साइड पे गुरुद्वारा पत्थर साहिब पड़ेगा और बहुत ही थोड़े से टाइम में आप यहां पहुंच जाएंगे। यहां स्पेशियस पार्किंग आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएगी। गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करना नहीं भूलिए। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब जी का इतिहास, श्रीनगर से ले आने वाली सड़क पर ले से 25 किलोमीटर पहले बना हुआ है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान 1517 ईस्वी में यहां पहुंचे थे। सामने वाली पहाड़ी के ऊपर एक घोर पापी राक्षस रहता था जो यहां के लोगों को बहुत दुखी करता था और मार कर खा जाया करता था। गुरु जी दुखियों की पुकार सुनकर स्थान पर पहुंचे और नीचे नदी के किनारे गुरुजी ने अपना आसन लगाया। यहाँ के लोगों ने गुरुजी को देखकर राहत की सांस ली, परंतु राक्षस यह देखकर बहुत नाराज हुआ और उसने गुरुजी को जान से मारने की योजना बनाई। एक दिन गुरुजी समाधि में परमात्मा की भक्ति में लीन थे, तब राक्षस ने मौका देखकर एक बहुत बड़े पत्थर को गुरुजी की ओर गिरा दिया। जैसे ही गुरुजी का स्पर्श हुआ वह पत्थर मोम की तरह बन गया, जिसमें गुरुजी के शरीर का पिछला हिस्सा पत्थर में धस गया, लेकिन गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुजी को मरा हुआ जानकर राक्षस बहुत खुश हुआ और नीचे पत्थर के पास आ गया। गुरुजी को बिल्कुल ठीक देखकर राक्षस हैरान हो गया और गुस्से में आकर उसने अपना दाहिना पैर पत्थर पर मारा, परंतु राक्षस का पैर भी पत्थर में धस गया। तब उस राक्षस को ज्ञात हुआ कि उसने अपनी बेवकूफी से एक भगवान के भक्त को मारने की कोशिश की। अपनी गलती की माफी के लिए राक्षस गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी ने अपनी आंखें खोली और राक्षस को उपदेश दिया कि अपना बाकी जीवन लोगों की सेवा करने में गुजारो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। उस राक्षस ने गुरुजी का उपदेश माना और सुखी जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद गुरुजी इस स्थान से कारगिल होते हुए कश्मीर चले गए। ये गुरुद्वारा पत्थर साहिब के बाहरी हॉल बना हुआ है। अगर आपको कहीं जगह ना मिले और ज़रूरत हो तो आप यहाँ इस हॉल में रुक सकते हैं और बेडिंग वगैरह सारा गुरुद्वारा साहिब प्रबंधक कमेटी द्वारा और डिफेंस के जो लोग हैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। शाम को और सुबह लंगर की भी व्यवस्था है यहाँ पर, 7 बजे से लंगर चलता है 7 से 9। तो ये स्थान, अगर आप कोई भी दिक्कत है या कुछ है, आप देर सवेर हो रही है और आप रुकना चाहते हैं
तो सेफली आप यहां आकर आराम से स्टे कर सकते हैं। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब से 25 किलोमीटर पर लेह और लेह के स्टार्टिंग में ही आपको राइट साइड में मिलेगा हॉल ऑफ फेम। 7 बजे से यहाँ लाइट एंड साउंड शो की एंट्री स्टार्ट होती है। प्रॉपर जानकारी आगे आने वाले एपिसोड में लेंगे। अब हम लेह की एंट्री पर पहुंच चुके हैं और इसके ही बैक साइड में है लेह का एयरपोर्ट। हम लोग खड़े हैं हॉल ऑफ फेम के आगे और अब बढ़ते हैं लेह की तरफ। ये अब हम लोग पहुंच चुके हैं लेह और हम अपने होटल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेह तक आने में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। रोड आपको बढ़िया मिलने वाली है। आप सारे रास्ते को एंजॉय करने वाले हैं। लेह घूमने फिरने के लिए आपको किसी पास की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन लेह से आगे आप कहीं घूमने जाएंगे तो ऑनलाइन पास जरूर बनाकर आइए। रेड क्रॉस की एक फीस भी लगती है, जिसके बारे में मैं आपको अब अगले एपिसोड में पूरी जानकारी दूंगा कि आपको कहां से पास बनवाना है, कैसे आपको पास बनवाना है, आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। बजट होमस्टे मोनालिसा ऑनलाइन मैंने बुक करवा लिया था और 2 रात के लिए मैंने बुक कराया है। 2 कमरे हमने बुक करवाए हैं क्योंकि हम लोग 4 जन हैं। 2000 रुपीस पर रूम इन्होंने चार्ज किया विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। और 2 रात आपका यहां रहना वैसे भी कंपलसरी है। आप ले लद्दाख घूमने आएंगे तो आपको 2 रात ले रहना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिए और अपने आप को एडजस्ट कीजिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि हम काफी हाइट पर जाएंगे और वहां जाकर रहने के लिए हमारे को इस हाइट के हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। सारी चीज की जानकारी मैं आपको आगे देता रहूंगा। दोस्तों बने रहिए अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप। यहाँ के लड़के कुक भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। उन्होंने हमारे को घर जैसा खाना बनाकर खिलाया। सिटिंग का अरेंजमेंट उन्होंने अलग से कर रखा है, वहाँ जाकर हम लोग खाना खाते थे और खूब हमने इसको एंजॉय किया। आज तो हम पूरी तरह से थके हुए थे और क्योंकि जब आप कारगिल से सारा घूमते हुए लेह तक पहुँचेंगे तो वैसे ही थकावट तो हो ही जाती है। 1 डिग्री टेम्परेचर है और दिल्ली एनसीआर की मई जून की गर्मी, जहां पसीने टपकते हैं, यहां आकर इतना ठंडा मौसम और बिल्कुल मन कर रहा था कि आग के अंदर हाथ ही डाल दो। मजेदार हमने यहां पे बॉनफायर भी किया। बजट स्टे में ही उन्होंने हमारे को ये बॉनफायर का भी इंतजाम करके दिया। और दोस्तों गुड नाइट, मिलते हैं सुबह।